वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आईएमआर कंट्रोल चार्ट मिनी टैब में कैसे बनाया जाता है या कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मिनी टैब ओपन करना होगा। जैसा कि यहां पर मिनी टैब ओपन है, मिनी टैब ओपन करने के बाद में वर्कशीट का जो ये पेज दिखाई दे रहा है, इसमें डेटा को पुट करना होगा। डेटा को यहाँ पर पुट करेंगे कॉलम वन में। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ईयर और यहां पर पॉपुलेशन, जो कि किसी प्लेस का एक पर्टिकुलर ईयर में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है या पॉपुलेशन है। यहां एग्जांपल के तौर पर 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2000, 2020 पॉपुलेशन है पर्टिकुलर प्लेस का एंड पर्टिकुलर ईयर के लिए 987। ये इतना पॉपुलेशन है। अब इस डेटा को यूज करते हुए आईएमआर कंट्रोल चार्ट बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, स्टेट के अंदर में जाएंगे। उसके बाद में कंट्रोल चार्ट वाले ऑप्शन के अंदर में जाकर यहाँ पर एक वेरिएबल्स चार्ट फॉर इंडिविजुअल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर में जाकर आईएमआर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आईएमआर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल्स क्या लेना है, पॉपुलेशन, तो यहाँ पर पॉपुलेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में इसमें भी चेक कर लेंगे लेबल्स, ओके, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे, ये आईएमआर चार्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इस चार्ट को आप राइट क्लिक कर कॉपी ग्राफ, मतलब यहां से इस ग्राफ को या चार्ट को कॉपी करके आप वर्ड या पीपीटी में पेस्ट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों यहां पर आप समझ चुके होंगे कि आईएमआर कंट्रोल चार्ट मिनी टैब में कैसे बनाया जाता है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।